नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा, तीन अलग अलग टीमों में शामिल हैं 8 अधिकारी, बारीकी से ली हर जानकारी। नैतिकता का बोध जबरन नहीं कराया जा सकता, बल्कि व्यक्ति को उसे खुद जागृत करना होगा, बोले कुलपति। प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल व्याख्यान के तहत शैक्षणिक शोध में नैतिकता का महत्व विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। अंगदान जीवन दान पर जागरूकता रैली का अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने किया आयोजन, लोगों को किया जागरूक। जोरों पर है मुहर्रम की तैयारियां, कमेटी ने की बैठक। बच्चों को मिले पुरस्कार, एनुअल प्राइज डे का दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ भव्य आयोजन। और बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय को शहर से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जींस, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आए और फर्क महसूस करें। हज और उमरा करिए हमारे साथ, पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019 को, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को। 55,000 रुपए के किफायती पैकेज में सभी सुविधाओं के साथ। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने काफिले की होती रहेगी रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आए या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा, तीन अलग अलग टीमों में शामिल हैं 8 अधिकारी, बारीकी से ली हर जानकारी। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव रमेश कुमार गंटा की अगुवाई में केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव रमेश कुमार गंटा की अगुवाई में केंद्रीय दलों में शामिल अधिकारियों द्वारा दरभंगा जिला के बाढ़ प्रभावित अंचलों के संबंधित गांव और पंचायतों का भ्रमण कर बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया गया। केंद्रीय दल में कुल 8 अधिकारी शामिल थे, जिसमें रमेश कुमार गंटा सहित मुकेश कुमार सिंह, निदेशक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, भारतेंदु कुमार सिंह, निदेशक FCD वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वीरेंद्र कुमार सिंह, निदेशक चावल विकास मंत्रालय भारत सरकार, RP सिंह, मुख्य अभियंता भूतल एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, HK मीना, उपनिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, M रामचंद्र डू, अपर सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार, लवकुश कुमार सिंह उपनिदेशक ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार शामिल थे, जो तीन अलग अलग टीमों में बंटकर जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों का भ्रमण कर वहां के स्थानीय लोगों से इन्होंने पूछताछ की और क्षति का आकलन किया। संयुक्त सचिव श्री गंटा एवं अन्य अधिकारी के साथ जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन स्वयं भी टीम के साथ भ्रमण कर लोगों से पूछताछ किया। उन्होंने अलीनगर, ताड़ी, मनीगाछी अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। वहाँ बाढ़ से प्रभावित लोगों से गृह क्षति के बारे में, फसल क्षति के बारे में, बाढ़ से मानव एवं मवेशियों की मृत्यु के बारे में पूछताछ की। बाढ़ और आपदा के समय जिला प्रशासन द्वारा जो मदद पहुंचाई गई उसके बारे में भी पूछताछ की गई। बाढ़ में मर गए लोगों के परिजनों को दिया गया अनुग्रह अनुदान के बारे में जानकारी ली। मुफ्त सहाय राशि के भुगतान के बारे में भी पूछा। बाढ़ के पानी से घिरे रहने के वक्त मोबाइल चिकित्सा टीम द्वारा बीमार व्यक्तियों के मुफ्त चिकित्सा एवं दवा की उपलब्धता, बीमार पशुओं की चिकित्सा एवं चारा की उपलब्धता सहित सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ खाना, पीने का शुद्ध पानी आदि के बारे में पूछताछ किया गया। बाढ़ पीड़ित लोगों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा फौरी तौर पर पहुंचाए गए सहायता के बारे में सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय दल की दूसरी टीम वीरेंद्र कुमार सिंह निदेशक चावल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिले के बिरौल घनश्यामपुर अंचलों के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में टूटे हुए बांध, सड़क, क्षतिग्रस्त घर आदि का जायजा लिया। इस दल ने कुमरौल घनश्यामपुर में ध्वस्त बांध को देखा, वहां से बुढ़ेव, कमला, पछवरिया तटबंध के रास्ते को देखा। SH-17 से सोनपुर, मटेरिया और पर शर्मा हासोपुर के 10 सड़कों का निरीक्षण किया। इस टीम के साथ अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी थे। वहीं केंद्रीय दल की तीसरी टीम में मुख्य अभियंता RP सिंह, भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, HK मीना उपनिदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा हनुमान नगर अंचल के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में भ्रमण किया और बाढ़ से क्षतिग्रस्त घर, मकान, सड़क आदि का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ित लोगों से सरकारी सहायता के बारे में भी पूछताछ किया गया। इस टीम में उपविकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता आदि साथ साथ चल रहे थे। इसके पूर्व केंद्रीय दल के अधिकारियों ने जिला पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ पूर्वाहन में जिला अतिथि गृह के सभाकक्ष में एक संक्षिप्त बैठक कर बाढ़ से हुई क्षति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कहाँ का वो भ्रमण करेगी? देखिए, केंद्रीय टीम पूरे जिले के विभिन्न कोने पर जाएगी और बाढ़ आई थी जुलाई महीने में और उसमें जो क्षति हुआ और उसके बाद जो राहत कार्य चलाया गया है और जो PFMS के माध्यम से GR की राशि जो लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने भेज दिया था, ये सब की देखेगी, समझेगी और अपना रिपोर्ट देगी। नैतिकता का बोध जबरन नहीं कराया जा सकता, बल्कि हर व्यक्ति को उसे खुद जागृत करना होगा, बोले कुलपति प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल व्याख्यान के तहत शैक्षणिक शोध में नैतिकता का महत्व विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नैतिकता का बोध जबरन नहीं कराया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति को उसे खुद जागृत करना होगा। कुलपति ने आज शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल व्याख्यान के तहत शैक्षिक शोध में नैतिकता का महत्व विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति, समाज और देश के लिए उपयोगी हो, उसी पर शोध होना चाहिए, साथ ही वह सामाजिक रूप से प्रासंगिक भी हो और समस्याओं का हल करने में सहायक हो। उन्होंने कहा कि आज देश में 40,000 शोध में सिर्फ 1,000 शोध ही मूल शोध हो रहे हैं, यानी मात्र 2.5%। 97.5% शोध किसी काम का नहीं है। अब शोधकर्ताओं को सोचना होगा कि वे 2.5% में रहें या 97.5% की श्रेणी में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्व नारायण झा ने कहा कि रक्त में नैतिकता का बीज हरेक व्यक्ति में है, लेकिन इसे कोई व्यवहार में नहीं लाता है। संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के विभाग प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि शोधार्थी को जिज्ञासु होना चाहिए, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर DN सिंह ने कहा कि शिक्षा में नैतिकता के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी है। आगत अतिथियों का स्वागत शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रौली द्विवेदी ने किया।
अंगदान जीवनदान पर जागरूकता रैली का अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने किया आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा द्वारा अंगदान जीवनदान पर जागरूकता रैली निकाली गई। सचिव मधु सरावगी ने रैली को संबोधित किया। रैली में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि एचआईवी की एसएमओ डॉक्टर अनामिका, अधिवक्ता मृदुला सिंह, अधिवक्ता बेबी सरोज, डॉक्टर मोना सरावगी कानूडिया, महिला आयोग की शोभा शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। अंत में यह एक सभा में परिणत हुई जिसे विभिन्न प्रबुद्ध वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं अन्य कई शिक्षण संस्थानों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में अंगदान देहदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह रैली अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के 15 राज्यों की 250 शाखाओं में एक ही दिन निकाली गई। अंगदान संयोजिका वंदना बोहरा, कविता टिबड़ेवाल, पिंकी गुप्ता, नीतू चौधरी का सक्रिय योगदान रहा। अंजू पंसारी, चंचल केडिया, उमा पंसारी, अनिता बोहरा, किरण बुबना, पुनीता केडिया रैली में शामिल हुई। उपरोक्त सूचना सम्मेलन की अध्यक्षा नीलम पंसारी ने दी। जोरों पर है मुहर्रम की तैयारियां, कमेटी ने की बैठक। किलाघाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी के कार्यालय में कमेटी से जुड़े लोगों व अखाड़ों के जिम्मेदार लोगों के साथ मुहर्रम को लेकर एक खास बैठक आयोजित की गई। जाइए तो कल एतवार से पहली तारीख होगी, तो यहाँ से जुलूस निकलता है बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ में, करीब लगभग बहुत सारा अखाड़ा रहता है जैसे मौलागज हुआ और बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ से टावर होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए भीगा सलामी जाते हैं हम लोग। आज बकरीद की 29 तारीख है, इंशाल्लाह आज चांद रात है और कल से हमारा मुहर्रम कमेटी का जो प्रोग्राम होता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जो 1 तारीख को हम लोग यहाँ से मिट्टी लाने का रस्म करते हैं, जो यहाँ से टाउन थाना, दरभंगा टावर, मिर्ज़ापुर होते हुए भटियाड़ी सराय, भीगा सा सलानी जाता है अखाड़ा, वहाँ से हम मिट्टी लेके फिर वापस किलाघाट आते हैं। 2019 को जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से एक बैठक हुई थी जिसमें जिला मुहर्रम कमेटी सारे अखाड़ियों को, पूरे दरभंगा के लगभग 142-143 अखाड़ियों को बुला करके प्रशासन का और जिला मुहर्रम कमेटी का जो दिशा निर्देश होता है उसको समझाया गया है कि इस बार आज चांद रात है, हो सकता है आज चांद हो जाए, अगर आज चांद हो जाता है तो कल से एक पहली मुहर्रम होगी, पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक जो भी प्रोग्राम जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से होता है उसको सारे अखाड़ियों को समझा दिया गया है। जो प्रशासन का हमारे जिला मुहर्रम कमेटी को इंस्ट्रक्शन होता है उसको मैंने समझा दिया गया है। और इस बार दरभंगा में ये गणेश पूजा भी साथ साथ है तो इसके मद्देनजर भी अखाड़ियों को बहुत सारा दिशा निर्देश दिया गया है उसके रिलेटेड भी कि हमको इस बार पर्व थोड़ा सही से मनाना है, ज्यादा और दंग नहीं मचाने का है, तो दूसरे का भी ख्याल रखना है। और सबसे अहम बात कि आज जो बात हुई कि जितने भी अखाड़ियां हैं वो आए 2 तारीख तक, 2 सितंबर तक अपना लाइसेंस मुहर्रम जिला मुहर्रम कमेटी में जमा करवा दें और रिन्यूअल के लिए दे दें। का नाम लिख के दे, वैसे दस आदमी
बच्चों को मिले पुरस्कार, एनुअल प्राइज डे का दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ भव्य आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद में एनुअल प्राइज डे का भव्य आयोजन किया गया। बच्चों को उनके परफॉर्मेंस के अनुसार पुरस्कार दिए गए, उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रबंध निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। बच्चों ने इस अवसर पर काफी उत्साह का प्रदर्शन किया। He mentioned something very, very extraordinary. Contribution to the making of the nation as well as society. DBS, as a name, well known to all of us, stands for quality. And I understand by the faces of the parents as well as children over here that how much satisfied they are, how much happy they are. For me, when I was watching these children getting renewed into various color houses, the entire teaching band over here, the management over here, who are so much involved in preparing the kids for not only academics but also much beyond academics. So I wish all of them a very happy career ahead. I understand that as much. आज एनुअल प्राइज डे है। साल में प्रति वर्ष अपने बच्चों को हम लोग उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अवार्ड करते हैं, और ये अवार्ड इसलिए करते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनका और भी उत्साह जगे, बढ़े, और वो मोर एक बूस्टअप करने के लिए बच्चों को अवार्ड देने की ज़रूरत पड़ती है, कि ताकि बच्चे अपने शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। इसलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल एवरी ईयर अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ बच्चे जिस तरह से मार्शल आर्ट है उसमें, या फिर बच्चे सॉन्ग में, या फिर उनका डांस का मामला होता है, या फिर म्यूज़िक का मामला है, या फिर किसी भी खेल कूद के मामले में जहाँ भी बच्चे हमारे कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें बाहर से अवार्ड मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि मार्शल आर्ट में दरभंगा ज़िला में बच्चों ने अपना इस तरह का प्रदर्शन किया कि जिला स्तर पर हमारे बच्चे जो वो हमारा स्कूल पहला स्थान लेकर के आया। तो उनको हर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हम लोग ये प्रोग्राम भी करते रहते हैं, ताकि बच्चा जो है वो आगे की ओर बढ़ सके। तो इस साल में ये अभी जो प्रोग्राम है ये एनुअल प्राइज डे है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का एनुअल फंक्शन होगा। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय को शहर से जोड़ने वाली सड़क का हाल है बेहाल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से शहर को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल। कुछ दिन पहले तक सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क बता पाना था मुश्किल। आखिरकार गड्ढे को भरने के लिए ईंट के टुकड़ों का उपयोग किया गया। गड्ढे तो भर गए, पर अब छोटे छोटे ईंट के टुकड़े सड़क पर बिछाने से राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी हुई रहती है, क्योंकि ईंट के टुकड़े तो गिरा दिए गए परंतु रोड रोलर का इस्तेमाल नहीं करने के कारण ईंट का टुकड़ा सड़क पर ज्यों के त्यों ऊपर में ही बिखरा पड़ा है।
मणि श्रृंखला की 24वीं पुस्तक कजरी मणि का हुआ भव्य लोकार्पण, MMTM कॉलेज में आयोजित हुआ समारोह। मणि श्रृंखला की 24वीं पुस्तक कजरी मणि का लोकार्पण संपन्न। MMTM कॉलेज के सभागार में आयोजित कजरी महोत्सव में कजरी मणि के साथ विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा प्रकाशित मैथिली दधीची स्वर्गीय बाबू साहेब चौधरी के लिखे नाटक कुहेस के तीसरे संस्करण का भी हुआ लोकार्पण। मैथिली के लव्य प्रतिष्ठित साहित्यकार, भारत निर्वाचन आयोग के आइकॉन एवं आकाशवाणी के दरभंगा संवाददाता मणिकांत झा की लिखी पुस्तक कजरी मणि का लोकार्पण शनिवार को MMTM कॉलेज के सभागार में आयोजित कजरी महोत्सव में किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित 24वीं पुस्तक के साथ मैथिली दधीची स्वर्गीय बाबू साहेब चौधरी के लिखे नाटक कुहेस के तीसरे संस्करण का भी लोकार्पण हुआ। स्वर्गीय चौधरी की इस कालजयी रचना के तीसरे संस्करण का प्रकाशन विद्यापति सेवा संस्थान ने किया है। दोनों पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए राजनीति शास्त्र के विद्वान डॉ. जितेंद्र नारायण ने कहा कि मधु ऋतु उत्सव के प्रतीक कजरी महोत्सव में कजरी मणि के साथ कुहेस के तीसरे संस्करण का लोकार्पण अत्यंत आनंददायक है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मणिकांत झा की रचना जहाँ सहज ही यह बयां करती नजर आती है कि कजरी सिर्फ राग विराग या श्रृंगार और विरह के गीतों मात्र तक सीमित नहीं है, वहीं स्वर्गीय बाबू साहेब चौधरी की रचना नाट्य लेखन के क्षेत्र में व्याप्त कुहेस को समाप्त करने में प्रेरणादायक साबित होगी। बहुत रास पास भजनों में चुका मिथिला मैथिली में खासकर विद्यापति सेवा संस्थान के लिए आ मणिकांत जी के संगे जो संबंध जो सरोकार है तक जते हम सब याद करिए हुका वो कम है। बुआ के सेहो सम्मान कर जाए जे मंच है बाबू साहेब चौधरी के चर्चा कलो और हुकर आत्मा जतो उन्हें है स्वागत करो महीना पावन है द्वारी ना नीतू भाल चिनुवारी है स्वागत करो के हर क्षेत्र में अनुशासन सिखाता है खेल, बोले कुल सचिव। CM साइंस कॉलेज में टेबल टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन सिखाता है खेल, बोले कुल सचिव। शनिवार को CM साइंस कॉलेज में आयोजित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस पुरुष एवं महिला टूर्नामेंट का शुभारंभ। कुल सचिव ने कॉलेजों की असंतोषजनक भागीदारी पर चिंता जताई। प्रधानाचार्य ने अगले सत्र से एकेडमिक के साथ साथ अन्य गतिविधियों के लिए भी कैलेंडर बनाने की घोषणा की। प्रतिस्पर्धा के मौजूदा युग में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की सीख देते हुए कैरियर की बुलंदी को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन आजकल खेलकूद की गतिविधियां जिनके लिए आयोजित की जाती हैं उसमें उनकी असंतोषजनक भागीदारी अत्यंत चिंता का विषय है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने शनिवार को CM साइंस कॉलेज में आयोजित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस पुरुष एवं महिला टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए कही। DLED पाठ्यक्रम के बाह्य विषयों की परीक्षा 3 से 9 सितंबर तक होगी। DLED पाठ्यक्रम के बाह्य विषयों की परीक्षा 3 से 9 सितंबर तक।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित राज्य के सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रशिक्षण सत्र 2018-2019 के DLED पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की बाह्य विषयों की परीक्षा 2019 अब दिनांक 3 एवं 9 सितंबर 2019 को दो पाली में यथा प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगी। वहीं दिनांक 4, 5, 6 एवं 7 सितंबर 2019 को भी दो पाली में यथा प्रथम पाली 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्यान्ह एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक संपन्न की जाएगी। यह परीक्षा शहरी क्षेत्रों में कुल 5 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित उपरोक्त कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षोपरांत व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं एवं OMR उत्तर पत्रकों के सील बंद बंडलों को सुरक्षित रखने हेतु +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय में वज्रगृह बनाया गया है। व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पत्रकों की गोपनीयता भंग न हो इस हेतु सभी व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पत्रकों की बार कोडिंग की जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा व्यवहृत उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पत्रों की बार कोडिंग कराने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं OMR उत्तर पत्रकों की बार कोडिंग में पूरी गोपनीयता बढ़ती जाएगी। इस कार्य में शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मी की प्रतिनिधि किसी भी सूरत से नहीं होगी। बार कोडिंग हॉल में चीफ सेक्रेसी ऑफिसर, उप सेक्रेसी ऑफिसर एवं प्रतिनियुक्त कर्मी के अतिरिक्त सिर्फ जिलाधिकारी या वरीय पुलिस अधीक्षक ही अनुश्रवण हेतु प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी अनाधिकृत पदाधिकारी, कर्मी, व्यक्ति का बार कोडिंग हॉल में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। जिलाधिकारी ने प्रत्येक दिन आयोजित होने वाली परीक्षा के व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का बार कोडिंग को हर हाल में अगले ही दिन कराने का सख्त निर्देश दिया है। यक्ष्मा तंबाकू उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। यक्ष्मा तंबाकू उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। तंबाकू के सेवन से यक्ष्मा रोग होने की संभावना अधिक। डॉक्टर रामचंद्र साफी प्रभारी अपर निदेशक TBDC दरभंगा तथा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संचारी रोग सह प्रभारी गैर संचारी रोग पदाधिकारी दरभंगा की संयुक्त अध्यक्षता में यक्ष्मा तंबाकू उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन TBDC दरभंगा के सभागार में किया गया, जिसमें डॉक्टर कुमार गौरव WHO कंसल्टेंट, MMO, DRTB सेंटर, SMO, ART सेंटर समेत कई लोग शामिल हुए। शैल विमल संस्थान द्वारा मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों की मुफ्त चिकित्सा की गई और उन्हें दवाएं भी दी गई। इस तरह का मेगा कैंप 26वां मेगा कैंप है। वैसे हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी चौबीसिया से दक्षिण पढ़ के मेडिकल कॉलेज पढ़ के आए, तो कई बड़ी संस्थान में बाहर नौकरी हुआ, विदेश में भी ऑफर हुआ, लेकिन वो उनका लक्ष्य था तो हम डॉक्टर बन के जाएंगे अपने गांव इलाका के लोगों को जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वो जब पढ़ने गए थे देख के गए थे यहाँ चिकित्सीय सुविधा का बहुत अभाव था, तो यही संकल्प के साथ आए जो हम अपने यहाँ लोगों का सेवा करेंगे। और वैसे 86-87 ईस्वी से ही लाइन में जुड़ गए, लेकिन इस तरह का मेगा शिविर वो छब्बीसवां है, 95 ईस्वी से लगातार इस तरह का मेगा शिविर बरसात में और एक बड़ा मेगा शिविर जाड़ा के समय में होता है, जिसमें इलाज के साथ साथ कम्बल वितरण भी सभी पूरे इलाके के गरीबों को किया जाता है। अभी 20 पंचायत के लोग बाहर हनुमान नगर प्रखंड के 14 पंचायत, बहादुरपुर प्रखंड के अगल बगल के 5 पंचायत और सिंहवाड़ा प्रखंड के 1 पंचायत जो हमारे बगल में बनौली है वहाँ तक के पेशेंट वो आ रहे हैं, बहुत आए हैं। पिछला कैंप के मुताबिक 3200 मरीज पिछले कैंप में लाभ लिए थे, आशा है इसमें और कुछ बढ़ ही जाएगा,
कि इस बार का भीषण बाढ़ लोगों को बहुत तबाह किया है, लोग बहुत मेडिकली भी बहुत लोग बीमार हैं और भीड़ जो लगातार कड़ी धूप और बारिश से भी लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। ऐसे इस शिविर में जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, इस तरह का जो पेशेंट है उसको 100 दिन का दवा मुफ्त में दिया जाता है और बाकी सीजनल पेशेंट को पूरा बाकी दवा के साथ टेक्नोलॉजी जांच के साथ तो उसको पूरा दवा दिया जाता है और लोग यहाँ लाभ उठाते हैं। MSU ने लगाया जन सहायता केंद्र। जन सहायता केंद्र के जरिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष लोगों को लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को जिले के सभी प्रखंड में जन सहायता केंद्र प्रखंड मुख्यालयों पर खोलकर लोगों को लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी मुहिम योजना आता है, आज के समय में हमारे पास वो आंकड़ा है जिसमें पंचायत स्तर के निचले महिला हो, पुरुष हो, समाज के कुपोषित हो, पीड़ित हो, उनको वो मुहैया उनके स्थान तक नहीं पहुंचता है। तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने क्षेत्र हित को देखते हुए, जन को देखते हुए, उनके समस्याओं को निदान के लिए आज बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष जन सहायता केंद्र के माध्यम से उन शोषित वंचित पीड़ितों के लिए एक आवाज़ बनकर खड़ी है और उनके समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ आज से प्रत्येक शनिवार जन सहायता केंद्र लगेगा। समाज के निचले तबके के लोगों के समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा और आज से प्रण लिया गया है कि दरभंगा जिला के 18 प्रखंड मुख्यालय पे हर शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जन सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों के समस्याओं का, जो प्रखंड मुख्यालय में हमारे पदाधिकारी इस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ाते हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन प्रत्येक शनिवार दरभंगा जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर जन सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों के समस्या का निदान करवाएगी। देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं निकलती है, प्रखंड स्तर पे भी उसको दिलाया जाता है, लेकिन प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक के लोगों को नहीं पहुंच मिल पाती है। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम को छेड़ा है, जन सहायता केंद्र। इससे जितने भी पंचायत हैं उनके जो भी लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी समस्या जो भी होती है उनका हम लोग समाधान करेंगे। इसलिए इस उद्देश्य से हम लोगों ने जन सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने लगाया अस्थमा जांच एवं दंत चिकित्सा शिविर। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने बंगलागढ़ प्रसाद पॉलीक्लिनिक मुफ्त लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने बंगलागढ़ में प्रसाद पॉलीक्लिनिक में मुफ्त अस्थमा जांच शिविर एवं दंत चिकित्सा शिविर लगाया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के अध्यक्ष SM माइकल ने बताया कि लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वावधान में निःशुल्क दंत चिकित्सा परीक्षण शिविर और अस्थमा जांच शिविर लगाया गया, जहाँ पूर्व में लगाए गए हेपेटाइटिस बी का दूसरा डोज भी मरीजों को मुफ्त में दिया गया। इसका शुभारंभ दीप जलाकर पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेखा, अध्यक्ष SM माइकल, डेंटल कैंप के संयोजक सौरभ सुरेखा और डॉक्टर उत्सव राज, डॉक्टर खुशबू गोयंका खेतान के द्वारा किया गया। यह सभी जानकारी प्रकाश कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी ने दी। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में शिक्षक एकादश और छात्र एकादश के बीच मध्य पूर्वाहन 4 बजे क्रिकेट मैच 10-10 ओवर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी खिलाड़ी परंपरागत परिवेश धोती आदि पहनकर खेले एवं इस मैच की कमेंट्री संस्कृत भाषा में ही की गई। छात्र एकादश 1 रनों से विजयी, सिद्धिनाथ बने मैन ऑफ द मैच, सर्वाधिक 27 रन बनाए। फिट इंडिया मूवमेंट के उपलक्ष्य में आयोजित फैंसी क्रिकेट मैच को छात्र एकादश शिक्षक पदाधिकारी एकादश ने 1 रनों से जीत लिया। टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी छात्र एकादश की टीम ने 10 ओवर में 3 विकेट खोकर 92 रन बनाए। सिद्धिनाथ ने सबसे अधिक 27 रन बनाया और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति दरभंगा शाखा द्वारा किया गया प्रदर्शन।
पूर्व सूचना के आलोक में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी आदेश के विरोध में विभिन्न शिक्षक संघों के संयुक्त अध्यक्षता में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भवन लहेरियासराय से टावर चौक लहेरियासराय तक पैदल मार्च निकालकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया एवं अपर सचिव द्वारा निर्गत आदेश की प्रतियां भी जलाई गई। पैदल मार्च में मुख्य रूप से शिक्षक प्रतिनिधि सहित काफ़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। राज्य संघर्ष शिक्षक संघर्ष समन्वय 5 सितंबर के दिन में ये ब्रांडी मैदान में एक शांति दिवस मनाने का कार्यक्रम था, जिसके विरोध में जिसको डैमेज करने के लिए हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा एक पत्र लिखा है कि जो 5 सितंबर के दिन सभी शिक्षक अपने विद्यालय को विद्यालय बने रहेंगे, तो हमारे आंदोलन में एक बाधा डाल रही है। सरकार चाहती है कि दमन नीति के कारण इनकी आंदोलन दब जाए और इनकी बात को कोई नहीं माने, लेकिन हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अपनी जनता में जान है और सरकार का तब तक मांग करते रहेंगे जब हमारी मांग। गणिनाथ गोविंद महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। गणिनाथ गोविंद महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। पिछले साल से जो है 2018 से जो है हमने हमारा स्थापना 2018 में हमने किए थे और 2018 में स्थापना की है, वहीं से हम लोग का कुल देवता हुए बाबा गणिनाथ गोविंद महाराज। हम लोग 14 देवान हैं यहाँ, ये परमानेंट है। हमारे कानूनी सभा के डॉक्टर जगदीश साहब जो बुजुर्ग हैं, वो जो हम लोग को राय दिए जो पलवैया राज्य में जो होते आ रहा है वो स्थापना यहाँ हर एक जिला में हो रहा है और दरभंगा जिला के अंतर्गत यहाँ भी होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ जो समाज है हमारे ये मोहल्ला जो है किदरगंज मोहल्ला वो लगभग 100-150 घर की बस्ती है, इसलिए यहाँ का स्थापना किया जाए। ये पूजा जो हम लोग यहाँ करते हैं वो स्थापना हुई थी, स्थापना के बाद मतलब जिस दिन पूजा होने से पहले 30 तारीख को जो पूजा हुआ हम लोग का सुबह में कलश शोभा यात्रा हुआ, उसके बाद हम लोग कलश शोभा यात्रा 200 से 300 कन्याकुमारी को हमने ले गए पीछे दुर्गा मंदिर है एकमी घाट से आगे, वहाँ से हम लोग ओझौल पड़ता है, वहाँ से एकमी घाट आए, एकमी घाट के बाद एकमी घाट पर हम लोग जल लिए, वहाँ से बाबा का जल लिए, यहाँ जल ले कर आए मंदिर के प्रांगण में, उसके बाद कुमारी कन्या को हम लोग जो भी अल्पाहार के रूप में होता है वो अल्पाहार दिए। ये तब तक के समाचार, बिदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा, 3 अलग अलग टीमों में शामिल हैं 8 अधिकारी, बारीकी से ली हर जानकारी। नैतिकता का बोध जबरन नहीं कराया जा सकता बल्कि व्यक्ति को उसे खुद जागृत करना होगा, बोले कुलपति। प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल व्याख्यान के तहत शैक्षणिक शोध में नैतिकता का महत्व विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। अंगदान जीवन दान पर जागरूकता रैली का अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने किया आयोजन, लोगों को किया जागरूक। जोरों पर है मुहर्रम की तैयारियां, कमेटी ने की बैठक। बच्चों को मिले पुरस्कार, एनुअल प्राइज डे का दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुआ भव्य आयोजन। और बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय को शहर से जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल।
यदि अभी तक की खबरें इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।